गुरुवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरसिवकपुर टुकड़ा नंबर 2 लाला छावनी में गोरधैया नाले की साफ सफाई का निरीक्षण किया। लगभग 7 किलोमीटर लंबा नाला मेडिकल कॉलेज से हरसिवकपुर जेल रोड होते हुए रामगढ़ ताल में शुद्धिकरण के बाद विलय हो जाता है। शहर की घनी आबादी के बीच से होकर गुजरने वाले नाले की साफ सफाई कई वर्षों से नहीं हुआ था। सफाई न होने के कारण नाला पूरी तरह से जाम है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। बरसात के दिनों में शहर को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नालों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा सुचारू रूप से पॉकलैंड मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। नाले के निरीक्षण में उप सभापति जितेंद्र सैनी, स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश कुमार रस्तोगी, सफाई निरीक्षक श्रवण सोनकर, SS गुप्ता और अवर अभिनेता मणिशंकर मौके पर मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, पहले कितना दिन पहले आप सफाई होते देखे थे? ये नहीं हुआ था। अच्छा, 20 साल पहले का, लगभग 18 साल पहले ये नहीं हुआ था। अभी सफाई नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? पहली बार। क्या नाम है? नाम बताइए। अब्दुल कद्दूस। अब्दुल कद्दूस। अब्दुल कद्दूस। कितना उम्र होगा? देखिए, अभी स्थानीय नागरिक से बात की गई है, मोहम्मद कुद्दूस, उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 65 साल ही है और मैंने आज तक इस नाले की सफाई नहीं देखी है। ये मशीन जो नगर निगम काम करा रहा है, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी रस्तोगी जी हैं यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने बताया है कि हम RKBK से लेकर और मेडिकल कॉलेज तक इसकी सफाई करा रहे हैं। उसका हम स्थानीय निरीक्षण करने हमारे उप सभापति महोदय आए थे, मैं भी आया था, स्थानीय पार्षद भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिशन चला करके हम लोग कर रहे हैं सफाई काम को, और इसका सत्यापन भी हम लोग कर रहे हैं कि क्या कहां तक काम हो रहा है। मैंने देखा है कि हमारे कर्मचारी सही दिशा में काम कर रहे हैं और जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। देखिए, ये 7 किलोमीटर लंबा नाला है और 7 किलोमीटर नाला जो 20-25 साल से साफ नहीं हुआ, एक चैलेंज था और नगर निगम के हमारे अधिकारियों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और हम इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम अपने मिशन में सफल होंगे। देखिए, कचरा जो निकल रहा है वो ऐसे जगह पर निकल रहा है जहाँ पर कि किसी तरह के कोई नुकसान नहीं है, नीची ज़मीन है, लोग अपने में उसको बराबर कर लेंगे। जो लोग कहेंगे कि यहाँ से कचरा हटाया जाए, उसे हम हटा भी लेंगे।